विधानसभा के भीतर फर्जी विधायक। अभी तक तो इस राज्य में फर्जी सीबीआई से लेकर फर्जी सीआईडी, फर्जी पुलिस अधिकारी ही नहीं, फर्जी आईएएस की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन शायद ऐसा पहली बार हुआ हो जब फर्जी विधायक की इस राज्य में गिरफ्तारी हुई हो। आज पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य का बजट पेश किया। वहीं विधानसभा की लॉबी में पुलिस वालों ने एक 65 वर्षीय व्यक्ति गजानन शर्मा को तब गिरफ्तार किया जब उनके बातचीत में विरोधाभास पाया। गजानन शर्मा ने इस दिन पुलिस वालों को बताया कि वे एक विधायक हैं, लेकिन पुलिस वालों को उन पर संदेह हुआ। कारण, गजानन शर्मा उन्हें संदिग्ध लगे। पुलिस वालों की माने तो वे लोग यहां आमतौर पर हर विधायक को पहचानते हैं और गजानन शर्मा को वे लोग देखते ही समझ गए कि वो एक फर्जी विधायक है। कारण, कहीं कोई उपचुनाव भी विधानसभा का नहीं हुआ है और वे लोग उन्हें पहली बार देख रहे हैं। गिरफ्तार फर्जी विधायक ने कत्थई रंग की फुल पैंट के साथ सफेद फुल बाजों की कमीज पहन रखी थी। कमीज के ऊपर एक नेवी ब्लू रंग के उक्त व्यक्ति ने सदरी यानी नेहरू जैकेट पहन रखा था। बहरहाल, उक्त अज्ञात व्यक्ति के विधानसभा में प्रवेश को लेकर विधानसभा व वहां आने वाले विधायकों से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहा है। और सवाल उठ रहा है कि विधानसभा में प्रवेश करने के लिए पास का होना जरूरी होता है, लेकिन वो व्यक्ति बिना पास के अंदर कैसे गया। विधानसभा के भीतर फर्जी विधायक। अभी तक तो इस राज्य में फर्जी सीबीआई से लेकर फर्जी सीआईडी, फर्जी पुलिस अधिकारी ही नहीं, फर्जी आईएएस की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन शायद ऐसा पहली बार हुआ हो जब फर्जी विधायक की इस राज्य में गिरफ्तारी हुई हो। आज पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य का बजट पेश किया। वहीं विधानसभा की लॉबी में पुलिस वालों ने एक 65 वर्षीय व्यक्ति गजानन शर्मा को तब गिरफ्तार किया जब उनके बातचीत में विरोधाभास पाया। गजानन शर्मा ने इस दिन पुलिस वालों को बताया कि वे एक विधायक हैं, लेकिन पुलिस वालों को उन पर संदेह हुआ। कारण, गजानन शर्मा उन्हें संदिग्ध लगे। पुलिस वालों की माने तो वे लोग यहां आमतौर पर हर विधायक को पहचानते हैं और गजानन शर्मा को वे लोग देखते ही समझ गए कि वो एक फर्जी विधायक है। कारण, कहीं कोई उपचुनाव भी विधानसभा का नहीं हुआ है और वे लोग उन्हें पहली बार देख रहे हैं। गिरफ्तार फर्जी विधायक ने कत्थई रंग की फुल पैंट के साथ सफेद फुल बाजों की कमीज पहन रखी थी। कमीज के ऊपर एक नेवी ब्लू रंग के उक्त व्यक्ति ने सदरी यानी नेहरू जैकेट पहन रखा था। बहरहाल, उक्त अज्ञात व्यक्ति के विधानसभा में प्रवेश को लेकर विधानसभा व वहां आने वाले विधायकों से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहा है। और सवाल उठ रहा है कि विधानसभा में प्रवेश करने के लिए पास का होना जरूरी होता है, लेकिन वो व्यक्ति बिना पास के अंदर कैसे गया। ক্রিমিনাল নাই আমরা 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 ক্র